वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके अक्सर 25 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तो डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन कंडीशन क्या है वो देखिए कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द टेंजेंट टू इलिप्स, ये निकालना है। फाइंड द टेंजेंट टू इलिप्स यानी इलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट बनी हुई है, और इलिप्स कौन सा आपका वो देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू 3। और कब कब? फर्स्ट कंडीशन में पैडल की कंडीशन, पैडल की कंडीशन, और सेकंड आपकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन जो लाइन आपको गिवन है उसको लेते हैं, और जो इलिप्स आपको गिवन है उसको लेते हैं, और फिर अपन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये जो आपकी इलिप्स की इक्वेशन है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं तो 3 से डिवाइड कर दो, प्लस इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 9y² / 3 इक्वल टू 1। इससे ये वाली वैल्यू मैं कैंसिल आउट करूं तो यहां पे वैल्यू 3, और लिख सकते हैं अपन x² / 3 प्लस y² / ये 3 नीचे आएगा तो 1/3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके वापस आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3y हो जाएगा। इस इक्वेशन का मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ द इक्वेशन, द इक्वेशन लिख दो या फिर कुछ आप आपकी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे नहीं मर्जी तो कुछ भी है आपकी वो नहीं लिखना है। ठीक है ना, इलिप्स के साथ ही मर्जी होनी चाहिए आपकी। तो x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, इसके साथ आपको कंपेयर करवाना है। यदि मैं इसके साथ कंपेयर करवा दूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और अब जो आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को भी ले लेता हूं, क्योंकि कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है इस पैरेलल और इस परपेंडिकुलर के केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइन आपको गिवन है कि लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं तो 4y इक्वल टू -3x प्लस का 9, और y इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो तो -3/4x प्लस 9/4, ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन का मैं कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एमएक्स प्लस सी के साथ में। यदि मैं इसके स्लोप को, स्लोप की वैल्यू, चलो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप एम की वैल्यू आ जाएगी यहां से -3/4 -3/4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, काम नहीं आएगा, बट आप तो एम को काम लेना। कंडीशन सबसे फर्स्ट में देती कि पैरेलल की कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन यानी पूरी लाइन आप लिखो तो लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ, चलो मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, लाइन कौन सी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, इसके अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना डायग्राम को। आपको इलिप्स गिवन है, और इस इलिप्स को देख के आप ये बता सकते हो कि इस इलिप्स की जो वैल्यू वो a ग्रेटर देन b है, चेक कर सकते हो, ये बड़ी है इससे। ठीक है ना, तो इलिप्स का जो एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, तो आपका जो इलिप्स है वो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है ना, यहां से थोड़ा मैं छोटा बना देता हूं,
ये तो हो गया डायग्राम। और यहां पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, वो टेंजेंट आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो और यहां पे कर सकते हो। मैं यहां पे एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूं, देखना ध्यान से, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं कि लाइन भी टच हो जाए आपकी, ये आपकी लाइन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपकी। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको गिवन है, ये इस लाइन के पैरेलल एक लाइन गिवन है, और ये लाइन कौन सी आपकी वो देख लीजिए। इस लाइन को मैं लिख देता हूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। इस लाइन को मैं L1 कह दो, इसको आप L1 कह दो और ये L2, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि मैं इस लाइन की स्लोप को M ले लू और इसकी स्लोप को मैं M2 M1 ले लू, बात एक ही है। लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, उस कंडीशन के अंदर स्लोप M1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम के, ठीक है ना। लिख सकते हो आप, कंडीशन अपन जानते हैं कि दो लाइन आपकी पैरेलल है, एल वन पैरेलल टू एल टू, उस कंडीशन में दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है। अब ध्यान से देखो, इस एम वन की वैल्यू अपने पास में, तो एम वन इक्वल टू एम और इक्वल टू इस एम वन की वैल्यू में, इसको एम वन ले लू, बात एक ही है क्योंकि लाइन तो यही है। इस लाइन के स्लोप को मैंने m1 लिया है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस थ्री बाई फोर, ये माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया है। इसमें मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो y इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री अपॉन में फोर एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, थ्री, और m की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री अपॉन में फोर और इसका होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है वन बाई थ्री। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके स्लोप की वैल्यू आ गई अपने पास में, m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री अपॉन में फोर, ठीक है, इतना एक बार आप नोट डाउन करिए, करते हैं डिस्कस इसके आगे, देखो, ठीक है भाई, कुछ सिर्फ तो नहीं करना है, चलो करना ही पड़ेगा, इतना रफ कर देता हूं मैं एक बार। देखिए, y इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको मैं सोल्व करूं तो थ्री माइनस का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन फोर का सिक्सटीन और प्लस वन बाई थ्री, लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस रूट ऑफ, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, सिक्सटीन इंटू में थ्री, इसको मैं डिवाइड करूं इससे तो ये रिमेनिंग वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में तो एट्टी वन, प्लस इससे भी इसको डिवाइड करूं तो 16 और 16 यहां पे, यहां से देखो रूट के अंदर नीचे 4 है तो 4 बाहर निकाल दीजिए, 4 नहीं 16 है, 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 होगा, तो y इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर एक्स प्लस माइनस ये 1 बाई फोर तो बाहर, और रूट के अंदर वैल्यू 81 में से 16 को मैं माइनस कर प्लस कर दू तो ये वैल्यू आएगी 97 अपॉन में कितना 3। पूरी इक्वेशन को
पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां तो 4y, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 कैंसिल आउट, माइनस का 3x प्लस माइनस, ये यहां से 4 आएगा तो ये 4 कैंसिल आउट, और रूट के अंदर वैल्यू कितनी 97 अपॉन में 3। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो 4y इक्वल टू, ये इधर लेके आओ, इधर आएगा तो माइनस का प्लस 3y, ठीक है ना, 3y लिख देता हूं, 3x और प्लस 4y, और देखो ये जो वैल्यू है इधर आएगी तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, और माइनस इधर आएगा तो प्लस, और रूट ऑफ 97 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। अब एक बार आप माइनस लोगे, एक बार आप प्लस लोगे, दो इक्वेशन मिलेगी, और इन दोनों को आप कैसे लिख दो, दोनों कंडीशन सेम है कि आप इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट ऑफ 97 अपॉन में 3। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, ऊपर जैसे इक्वेशन मिल रही थी वैसे सेम इक्वेशन यहां पे मिलेगी, तो कंडीशन ये आपका आंसर गिवन इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। दोनों आंसर सही है आपके, कोई सा भी आंसर आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में, ठीक है ना। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंड पार्ट को मैं डिस्कस करूं तो सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में डायग्राम का यूज करें तो डायग्राम देखिए, सबसे पहले एक इलिप्स गिवन है और इस उस इलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये आपका इलिप्स, ठीक है ना, थोड़ा सा ये सही से नहीं बन रहा ना, इसको मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूं, ये ठीक है ना, अभी भी सही नहीं है लेकिन एग्जेक्ट आप बना लेना, अभी इतना तो कर सकता, थोड़ा सर्किल से दिख रहा होगा। अब मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये लीजिए आपकी एक टेंजेंट, यहां पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये टेंजेंट एल टू ले लेता हूं, और इस पे आपकी एक लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये टेंजेंट दूसरी लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन एल वन है, एल वन लाइन इसका स्लोप एम वन है, और इसका स्लोप मैं एम टू ले लूं और इसी को मैं एम के इक्वल पुट कर दूं, बात एक ही है, एक की बात है, कोई वो नहीं है, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, इसका स्लोप आपको गिवन है, यानी एम वन की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू आई थी एम वन की, काटिए क्या, माइनस 3 अपॉन में 4, ये कंडीशन आई थी। जब लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, उस कंडीशन के अंदर दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई M1 इंटू M2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस 1 के इक्वल, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये कंडीशन जानते हैं, यहां से M1 की वैल्यू अपने पास में कितनी वैल्यू है, माइनस का 3 अपॉन में 4 इंटू एम टू की वैल्यू, मैंने एम ले रखी है और ये माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एम की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4 अपॉन में 3, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द इलिप्स वो जानते हैं अपन, ठीक है ना, वो है, क्या है आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस में प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वाई इक्वल टू एम की वैल्यू 4 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू इसका होल स्क्वायर है, यानी 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू 1/3, ये लीजिए। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लेना अभी, देखिए y इक्वल टू 4/3
एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और प्लस 1/3 लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 4/3 एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं 3 और दोनों का एलसीएम लिया तो 3, तो ये वैल्यू 16, ये वैल्यू आपकी 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट के अंदर वैल्यू आ गई आपकी 16 यानी 17/3। अब मुझे यहां पे रूट, यहां पे 3 है, यहां से 3 को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो y इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 और 3, दो 3 मिलकर रूट से बाहर आएंगे तो एक 3 बचेगा और रूट के अंदर वैल्यू कितनी 17/51। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई तो 3y इक्वल टू 4x प्लस माइनस ये आपका रूट 51, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो इस वैल्यू को लिख सकता हूं मैं 3y, ठीक है ना, इसको लेके आ जाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। किस फॉर्मेट का आंसर हो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इधर लेके आया हुआ है, ठीक है ना, बात एक ही है, माइनस 4x और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस प्लस रूट 51 इक्वल टू 0। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 3y माइनस 4x प्लस माइनस रूट 51 इक्वल टू 0, ये आपके परपेंडिकुलर केस के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, अभी समझ गए होंगे आप, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन कंडीशन क्या है वो देख लीजिए आप, आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1 टू मेक द एंगल, टेंजेंट एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस, ये आपको गिवन है। तो देखो करते हैं, ध्यान से देखना, डायग्राम बना लेते हैं पहले, तो देखिए डायग्राम का अपन यूज करें तो डायग्राम देखिए इसका, वाई एक्स के फॉर्मेट में आएगा ना, चलो अपन तो रफली डायग्राम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, कैसे बना सकते हो, इस फॉर्मेट में ले लेता हूं भाई, इस फॉर्मेट का इलिप्स है, ठीक है ना, ये कौन सा आपका a ग्रेटर देन b, क्योंकि a की वैल्यू कहां पे आ गई, y के नीचे आ गई, ठीक। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये लीजिए टेंजेंट, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं टेंजेंट, ये लो, और ये जो टेंजेंट है वो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, ये लो, और इस टेंजेंट का स्लोप m ले लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ, स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी m इक्वल टू 10 थीटा, जब थीटा एंगल दिया हुआ तब की बात, तो m इक्वल टू 10 45 डिग्री, तो m इक्वल टू कितना 1, ये तो हो गई आपकी m की वैल्यू। यहां से मैं कंपेयर करो तुम किसके साथ में, x स्क्वायर अपॉन में ये तो आपकी b स्क्वायर वैल्यू ना, और प्लस y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी हो गई 7 और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है ना,
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द इलिप्स, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू एम की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए की वैल्यू 7 इंटू एम की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2, तो y इक्वल टू 1 यानी ये तो x हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ ये 9 हो गया, और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट यानी 9 का रूट कितना 3, ये लीजिए 3। इसको इधर लेके आऊं तो आपकी वैल्यू होगी x माइनस वाई और प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ही बात है, ऊपर वाला भी लिख सकते हो नीचे वाला भी लिख सकते हो और इस x को भी इधर लेके आ सकते हो, बात एक ही है। आंसर को मैं एक बार चेक कर देता हूं, यही फॉर्मेट है भैया, ठीक है, करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9th के बारे में, ठीक है, देखिए 9th देखिए। क्वेश्चन नंबर 9th, नाइन्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट। देखो एक कंडीशन में आपको बता देता हूं, कोई भी मैं लाइन लू और इस लाइन को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसकी तो इक्वेशन होती है 1 अपॉन में a प्लस y अपॉन में b यानी x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन। अगले ने बोला है कि ये वाली b और ये वाली वैल्यू b ये दोनों इक्वल है यानी a इक्वल टू b है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो वैल्यू आएगी वो a इक्वल टू 0 और ये वाली वैल्यू होगी 0, b, लेकिन ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल है ए की, तो ये भी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0, a की इक्वल होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। इक्वल इंटरसेप्ट की कंडीशन दे दी अगले ने, तो मैं स्लोप फाइंड आउट करता हूं, एक लाइन तो ये, ठीक है ना। अब इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो भी स्लोप तो वही आएगा, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं एक बार थोड़ा सा क्योंकि इसमें देखो ए की वैल्यू आपकी 9 है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है, तो आपका ये जो इलिप्स होगा वो एक्स एक्सिस वाला हो गया। तो मैं दोबारा इसको डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, चलिए वैसे तो डायग्राम चल जाएगा ऐसे काम, ठीक है, बस एक कंडीशन आपको माइंड में रखना है, वो देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। यहां पे टेंजेंट दो कंडीशन से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये टेंजेंट होगी और एक हो गई आपकी ये टेंजेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा ले लेना, इसको मैं इक्वल बनाना चाहूं तो ये लीजिए आपको इक्वल, ये लीजिए, ठीक है, ये दो टेंजेंट है, ध्यान रखना ये जो इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट इक्वल है, तो मैं कंडीशन ये डाल दी कि a इक्वल टू b है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, a, 0 होगा और यहां पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, a होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ भी आपकी a है और यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या है a, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कौन सा कितना होगा 0, -a, 0। इस लाइन को मैं यहां पे ड्रॉ करूं
तो यहां से स्लोप और यहां का स्लोप बराबर आएगा, और यहां का स्लोप और यहां का स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अपन स्लोप की बात करें, देखो ध्यान से, स्लोप में फाइंड आउट करता हूं, इसको लाइन L1 बोल दीजिए और इसको लाइन आप L2 बोल दीजिए, ठीक है ना। लाइन L1 के लिए स्लोप, जब दो पॉइंट आपको गिवन है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। ये स्लोप का फॉर्मूला 10th क्लास में भी पढ़ गया है आप, ठीक है ना। इसके स्लोप को मैं m1 ले लूं तो m1 या m रख लो, m की वैल्यू देखो यहां से y1 जीरो माइनस a अपॉन में इसकी वैल्यू a माइनस जीरो, तो m1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी यहां से, माइनस a अपॉन में a, यानी m, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, ठीक है ना, ये m की वैल्यू, ठीक है, समझ गया होगा। उसके बाद में लाइन L2 की बात करो तो स्लोप की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां से देखना y1 माइनस y2, तो a माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a, लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू a अपॉन में प्लस a, कैंसिल आउट कर दो तो m की वैल्यू कितनी होगी, वन हो गई, m की वैल्यू कितनी होगी, वन हो गई। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो m की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस वन, m की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस वन, ठीक है ना। अब आपकी बुक के अंदर m की वैल्यू पॉजिटिव लेके सोल्व किया हुआ, ध्यान रखना आपके बुक के अंदर पॉजिटिव लेके आंसर गिवन है आपको, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्लोप की कंडीशन बनती है यहां पे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स या ऑन द इलिप्स, एक बात है, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या है, एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू एम की वैल्यू प्लस माइनस की कंडीशन है। तो देखो मैं एक बार ये लेके ट्राई करता हूं, यानी इस केस के अंदर m की वैल्यू कितनी है, 1 ले लेता हूं, तो 1 इंटू, ठीक है ना, ये फर्स्ट केस ले लीजिए आप, एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है 16, m की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस b की वैल्यू 9, इसी को लिख सकता हूं x प्लस माइनस ये कितना 25 और 25 का रूट कितना 5। आपकी बुक के अंदर ये आंसर गिवन है कि y इक्वल टू ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस एक्स, और ये वैल्यू देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, 5 इक्वल टू 0, और इसी को ये लिख सकता हूं मैं, बात एक ही है, ठीक है ना, इक्वेशन तो सेम ही मिलेगी ना आपको, एक बार पॉजिटिव वाली मिल जाएगी एक बार नेगेटिव वाली मिल जाएगी। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस के अंदर यदि मैं m की वैल्यू माइनस वन पुट कर दूं तब वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ a, a की वैल्यू 16, m की वैल्यू माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस में 9, ठीक है ना, और इसी को लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस वन का स्क्वायर कितना प्लस वन, प्लस वन इंटू 16 कितना 16 प्लस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक्स प्लस माइनस ये कितना 25, 25 का रूट कितना 5, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो y माइनस एक्स इधर आया तो प्लस x, और ये वैल्यू आपकी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस इक्वल टू 0, और इसी को मैं लिख सकता हूं y प्लस x प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। एक कंडीशन की इक्वेशन आपको ये मिलेगी, तो दो कंडीशन यहां से पॉसिबल है वो आप देख लेना भाई, ठीक है ना, आपकी बुक के अंदर इतना ही आंसर गिवन है लेकिन कंडीशन दो ही मिलेगी आपको, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।